चर्बी हमको है नहीं तो सुबह सुबह किराया मांगता है हर महीने देंगे क्या चल यार वेटर एक दो तीन कोल्ड ड्रिंक्स जल्दी लाना क्या आवाज निकल रहा है साइकिल पंप की तरह कला वो बॉम्बे की लड़की कयामत की चीज लगती है यार हमारे साथ डिस्कोथेक जाने के लिए एडजस्ट करके देना यार मार डालूंगी मैं तुझे तुम्हारे साथ डिस्कोथेक आने के लिए मैं ठीक नहीं क्या ए हम तीनों ही लड़के हैं ना यार तीन सालों से यही देख रहे हैं देख नहीं रही है परेशान हो गई है ये लड़की तुझे बहुत पसंद है क्या हाँ सर चल खड़े हो जा आ जा हेलो ये लड़का तुम्हें पसंद है पसंद है खड़ी हो जाओ क्या रे कृष्णा फिट हो गया ना मामला ये इतना आसान था सोचा नहीं था सर देखो प्यार के लिए प्रेपरेशन नहीं डेडिकेशन चाहिए तीन लव्स बोलने के लिए तीन साल लगा दिया इसने अब तुम शादीवादी में ज्यादा देर मत लगाना वरना इसका मूड बदल भी सकता है एनीवे बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सर गजा एक बात बता तू दूसरों के मामलों में टांग क्यों अड़ाता देखो ऐसे मामलों में शर्माने से कोई फायदा नहीं है फटाफट सब बोल देना चाहिए लाइफ में किसी दिन ऐसा सिचुएशन तुम्हारे सामने आएगा ना तब तुम्हें पता चलेगा मेरी लाइफ में इस तरह का सिचुएशन नो वे नो वे चैलेंज करने का एज है ये आगे रखे कदम को पीछे रखना तुम दुनिया है बहुत हॉट साल है मरते हैं बहुत कूल साल है प्यार में चलता नहीं झूठ धोखा बोका 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 हाथ बढ़ाने पर न मानू कभी हर जितना पक्का है सूर्यवंशी के जैसे जीता हूँ बेवजह ना किसी से लड़ता राजा के जैसे राज करता हूँ ना किसी के आगे झुकता मुझे सा कोई दिल वाला तो का न कभी देने वाला दिदिता दिदिता बजाओ बैंड बजा जो करना है कर खाली बातें करना प्यार में चलता नहीं झूठ धोखा पुक्का न कोई रूल्स बने मेरे लिए यारा I'm telling you that love goes on as far as the horizon.
and beyond. There ain't no common rules, only mine, for you're the reason I'm feeling fine. Life is filled with the worries of who's doing right and who's doing wrong. So many times we look outside to hide the pain that flows inside. Aur is it just the truth? Main puri karta hu, main jhumu na chuga. Aaj na kal aayega, aur tu bita jayega, har ek pal jiyu. यही तो एज है करने को मौज, फिक्र हम क्यों करे भला, प्यार और दोस्ती के वास्ते जान भी अपनी हम डाला. मुझसा न कोई दिल वाला, सबका मैं हूँ रखवाला. बैंड बजा, तू करना है करना, खाली बातें करना, प्यार में चलता नहीं धोखा बुक्का, ना कोई रूल्स बने मेरे लिए यारा. सुन लो रे, चैलेंज करने का एज है ये, आगे रखे कदम को पीछे रखना तू. दुनिया बहुत है और साला ये चीज हमेशा बिल्कुल 6 बजे शुरू हो जाता है. गुड मॉर्निंग, लाइफ फिर से शुरू हुआ. देखने में बहुत अच्छा है, पर हमारे इडली सांभर की तरह नहीं है. Hey, hello, how are you, my sweetie pie, sweetheart? Okay, bye. Bye. स्पोर्ट्स कार नया खरीदा है, यहाँ कार के बिना जीना मुश्किल है. हमारी यूनिवर्सिटी है. हाय लड़कियां, सुंदर है ना? ओहो, आज तो देर हो गई. श्वेता, what about my proposal? I told you, I love you. मुझे ये फंकी लोग पसंद ही नहीं है. मंकी जैसे हो तो पसंद है, देखा ना, उसका प्रपोज करना कॉमन, मेरा ना कहना कॉमन है. Falling. Very cold outside. Hi. Hi. How are you? I'm fine. क्या हुआ? यहाँ पर खाना खाने आई हूँ क्या? Part time job. वैसे एक sports car खरीदने के लिए ये सब करना पड़ता है. यही मेरी life है. ये फिर से 6 बजे शुरू हो जाएगा. Good night. See you later, huh? Oh. I miss you, da. I miss you too, sister. Take care. मगर मैं मिस करने वाला नहीं हूँ. मिस करने का तो चांस ही नहीं. तुझे फर्स्ट शॉट देखते ही तुम पसंद आ चुकी हो. तुम कहीं भी रहो तो मेरी हो कर रहोगी. तो चलव करना तो पक्का, शादी करना तो बिल्कुल पक्का. कृष्णा, मेरा तो फिक्स हो गया, पक्का फिक्स हो गया. ए, वो मेरी बहन है. गुड, तुम खुद को उसका भाई मानते हो. वेरी गुड. सच कह रहा हूँ यार, वो मेरी बहन है. बहन है यानी साला? किसे कह रहा है साला? प्रमोशन दोस्त,
अप्रेंटिस से अब साले के पोस्ट में प्रमोशन दे रहा हूँ। वैसे उसका नाम क्या है? श्वेतांबरी, मिसेज श्वेतांबरी गजेंद्र मूर्ति। एक कृष्णा, इसे फिक्स कर दो। ए, मैं बता रहा हूँ वो मेरी बहन है। चुप रहो, जिसे मैं पसंद करता हूँ वो तो तुम्हारी बहन ही होगी। फिर से शुरू कर दिया क्या तुम दोनों ने ये महाभारत का युद्ध? सॉरी कला, वो कल खत्म हो गया और आज से कुछ अलग किस्म का युद्ध है। ये साला और मैं इसका जीजा। मतलब? अभी अभी मैंने एक लड़की को देखा, मैंने कहा मैं उससे प्यार करूंगा। ये कहता है वो मेरी बहन है, तू ऐसा नहीं करेगा। इसमें मेरी क्या गलती है कला? मुझे बताए बिना लव कब हो गया? अभी अभी 10 मिनट पहले। एग्जैक्ट बताने जाऊँ तो 8 मिनट 45 सेकंड। जरा देखो तो। वाओ, सुपर्ब गजा, तुम दोनों की परफेक्ट जोड़ी है। कांग्रेट्स। थैंक यू थैंक यू। क्या बोल रही हो तुम? इसके साथ रहकर तुम भी पागल हो गई हो क्या? ये लड़की को बिना बताए भगाने की बात कर रहा है क्या? ये उस लड़की से शादी करने की बात कर रहा है। ही इज अ जेंटलमैन यू नो। ओह थैंक यू कला, इस बुड्ढे को अच्छी तरह समझा दो। ओके। ए गजा, सीरियसली बोल रहा हूँ, इस बात को यही छोड़कर भूल जा, वरना तेरे शरीर पर हाथ पैर और खोपड़ी कुछ नहीं बचेंगे। मतलब भेड़ बकरी काटने वाली फैमिली है क्या तेरी? उससे भी डेंजरस। ऐसा है तो सुन लो, इंसानों से डील करने वाली फैमिली तेरी है तो ऐसी फैमिली को पटकने वाला मर्द हूँ मैं। तू ही नहीं, तेरी फैमिली ही नहीं, वो भगवान भी आड़े आ जाए, वो लंदन रानी मेरी होगी। देखो बेटा, उस कमरे में कुछ बर्तन रखे हैं, लाकर जरा दे दो। हो तो रही है बेटी की एंगेजमेंट, आप क्यों ये सब क्रीम लगा रहे हो? तुम्हारी बेटी कुछ भी स्टाइल करे वो तुम्हें पसंद है, वही मैंने किया तो तुम मुंह बिगाड़ती हो। हाय ग्रैंडपा। हाय किड्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन। दादा, इस खुशी के मौके पे कुछ तो मिसिंग नहीं लग रहा आपको? ए गजा रे। हां शी इज करेक्ट, गजा नहीं तो मजा भी नहीं। वो क्यों? बेस्ट फेलो। किस लिए? मैं उससे हाइट वेट में कम हो सकती हूँ लेकिन मैं उससे क्लेवर हूँ, समझी? क्यों इतने इमोशनल होते हो कमल? कम ऑन कमल। कमिंग कमिंग। इधर कमिंग नहीं। वो ठीक है, मैं और गजा दोनों दोस्त है, गजा की बहन और तुम लोग दोनों दोस्त हो, मतलब मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? भैया पेट जरा अंदर करो ना मोटे। डैडी क्यों भैया पे चिल्ला रहे हो? चिल्लाओ मत। तुम चुप रहो बेटा। ए पद्मा, इनको तैयार करना मुझसे नहीं होगा। आज तैयार करना है आपके बच्चों को नहीं, आपकी प्यारी बहन को, पता है? क्या भैया, आप लोग इतनी देर से कैसे आ सकते हैं? मेरी की वजह ये है। क्या भाभी ये सब? हाँ हाँ, सब मुझे ही डांटो, बचे कुचे बालों को रंग लगाने में 8 घंटे तो लगते ही हैं। तो ठीक है, मेरी बहू कहाँ है? आ रही है। हाय अंजी। वाओ, इस साड़ी में कमाल की लग रही है। एंगेजमेंट आपकी है क्या? मारूंगी तुझे। श्रावण मास की पंचमी शुक्रवार दिनांक 24/8/2007 श्रीमती श्री चंद्रशेखर जी की बड़ी बेटी वरलक्ष्मी नामक कन्या का श्री गंगाधर जी के बड़े बेटे श्री रामचंद्र मूर्ति नामक वर के साथ विवाह करने के लिए बड़े बुजुर्गों ने निश्चय किया है। भाई साहब, यह कार्य संपन्न हुआ। लीजिए। लड़की को ये शादी पसंद तो है ना? भाई साहब ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं बहन, लड़की जरा उदास लग रही है इसलिए पूछा। ऐसा कुछ नहीं है, उसका भाई गजा नहीं आया इसीलिए। मुझे तो लड़की को मेरा बेटा पसंद नहीं होगा ऐसा लग रहा था। ओहो, डरते क्यों हो? आपका बेटा तो श्री रामचंद्र है, इसको तो पूरा इंडिया पसंद करता है, तो फिर हमारा क्या है, हमें भी पसंद है। क्यों भाई, लड़की की शादी कब है? एनी टाइम। जीजा जी जब यस कह दे उसे। नमस्ते। बहुत अच्छे लोग हैं। अभी क्यों आए हो? शादी के दिन आते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? तुम नहीं थे तो देखो तुम्हारी बहन का क्या हाल हुआ है। इसका नाम है श्वेता, मेरी फ्रेंड है। वरु, इसको अंदर तो लेकर जाओ। आइए। इसकी पूरी फैमिली एक्सीडेंट में मारी गई।
इस वक्त उसका अपना कोई नहीं है, इसीलिए कुछ दिन हमारे घर में रहने के लिए लेकर आए। गलती किया क्यों दादा? एक लड़की को लेकर आया हूं तो इतना सोच रहे हैं आप लोग? अगर एक लड़के को लेकर आता तो इतना परेशान होते क्या? लड़का हो या लड़की, तकलीफ में तो है ना, उसे संभालना हमारा काम है। लड़की यहीं पर रहेगी। पापा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कोई गलती नहीं करूंगा। गजा, क्या है माँ? उस लड़की ने दोपहर में भी खाना नहीं खाया, उसे नीचे आने में तकलीफ हो तो खाना ऊपर भेज दूँ? बिल्कुल नहीं माँ, वो हमारे साथ ही खाना खाएगी, मैं उसे बुला लाता हूँ। ठीक है बेटा। ये है रंजीता, मेरे मामा की बहन। हम जैसी नहीं है, बहुत फास्ट है। ये है मेरे काका जी, जौनपुर में रहते हैं, साल में एक बार आते हैं। ये है मेरी चाची, ये देखिए, ये है मेरी छोटी चाची, अमेरिका में सेटल हो चुकी है, ये इनका बेटा। क्यों दुल्हन जी, दुकान ओपन करके यहाँ कई फोटो ढूंढ रही हो क्या तुम? चलो मेरे जीजा जी का नाम तो बताओ ना। बेवकूफ है। ऐसा है तो कल शादी होने के बाद उसे किस नाम से बुलाओगी? श्री रामचंद्र मूर्ति। श्री रामा चंद्र मूर्ति। सीता स्वयंवर कमान तोड़ने वाले ने यहाँ कुछ नहीं तोड़ा। शट अप, पागल कहीं का। गुस्सा आ जाए तो बहुत प्यारी लगती है, इसीलिए तो चिढ़ाता हूँ। श्वेता चलो खाना खाते हैं। क्या रे आलू कहीं के, तुझे अलग से बुलाना पड़ेगा, चलो जल्दी। होमवर्क कर रहा हूँ, दिखता नहीं है क्या? ए, कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ रहा है तू, 5 मिनट में करके देता हूँ, चलो जल्दी। नो, पिछली बार जब होमवर्क करके दिया था तो पूरा कचरा हुआ था मेरे क्लास में, एक नहीं दो नहीं पूरे 25 लड़कियों के सामने कान पकड़ने के लिए कहा था टीचर ने, वो सीन अभी तक भूला नहीं हूँ। उतना ही नहीं, कोई बेवकूफ इस तरह होमवर्क करता है क्या? ऐसा कहा, मुझे पता है वो बेवकूफ तुम हो, मगर उस बेचारे को क्या मालूम, बहुत हुआ चाचा। ए, ए, ये सब हमारा सीक्रेट है, ये सब बातें अकेले में करनी चाहिए। अब खाना खाने चले पेटू राम। ओह, एक लड़की के सामने इज्जत की तो इतना गुस्सा, बेचारा भाई स्कूल में 25 लड़कियों के सामने कैसे झेला होगा। प्लीज इतना तो इज्जत मत उतारो, मेरा तो ख्याल करो। हाँ चाचा, आपको होमवर्क करना नहीं आता, कॉलेज कैसे बचे? मैं भी यही सोच रहा था। अबे तेरी ऐसी की तैसी, चलो उठो खाना खाने चलो चलो। श्वेता देखो, शर्माना नहीं बेटा, इसे तुम अपना ही घर समझो। भैया थोड़ा चिकन ले लो ना। थैंक्स। हे, तुझे जो दिया है तुम खाओ, उसे क्यों दे रही हो तुम? आहा, भाई से कितना प्यार करती है रे तू। मेरी भी एक बहन है, देखो पूछे बिना फटाफट निकल जाती है। खाओ चुपचाप। ऐसे नहीं माँ, क्या रे, सिर्फ खाना खाना ही नहीं पकाना भी आना चाहिए। उन्होंने मेरा हाथ का खाना खा के ही शादी के लिए हाँ किया। माँ कितना बड़ा दिल है तुम्हारा, बेटी की शादी करने के लिए तुमने जो खाना बनाया उसे इसने बनाया कहकर झूठ बोल दिया। अब मुंह बंद करोगे क्या? क्या कह रही है तू, कल सुबह तेरा रिजल्ट है ना, इसलिए तेरी इतनी मदद की है। पिछले 2 साल से तो मेरे नोट्स पढ़ के ही पास हो रहा है, ये क्या मेरी मदद करेगा? ओ, ऐसा क्या, तो भी ठीक है बहन, तुम उसी में फिक्स हो जाओ। साहब जी, उस थाली में पेंटिंग बना रहे हो। जाने क्यों भूख नहीं लग रही है? भूख कैसे लगेगी, खाने से पहले डॉक्टर का दिया टॉनिक लेंगे तो ही ना भूख लगेगी। ठीक है बेटा। आओ दादा, मैं टॉनिक पिलाता हूँ। अच्छा चल। इफ यू डोंट माइंड श्वेता, 10-15 मिनट के लिए इस रूम में आ सकता हूँ क्या? थैंक्स। दादा आइए, आओ, देखो वहाँ। वहाँ ना? संभाल के दादा। अम्बा, डोंट वरी, बैठो। श्वेता, यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? आर यू कंफर्टेबल? मेरा कमरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसा है, छोटे मोटे आइटम लेने के लिए कोई ना कोई आता ही रहता है, इसीलिए। दादा सिर्फ दो ही पैक मारो। दो ही। शराब पीना तो बहुत बुरी बात है, पर आप ही उन्हें उकसा रहे हैं, गलत है ना? इसमें गलत क्या है श्वेता, पहले सब ओपन था,
इस परिवार के सारे झंझट, घर की सारी परेशानियों से बचने के लिए पीना पड़ता है। दादाजी सिर्फ दो पैग पीते हैं, एक गुट भी ज्यादा नहीं। उनकी पूरी जिंदगी दो पैसे कमाने में ही चली गई। इस उम्र में एंजॉय नहीं करेंगे तो बताओ कि कब करेंगे? सच कह रहे हो मेरे बच्चे। देखो, इस उम्र में एंजॉय करना छोड़कर ओलंपिक्स में दौड़ सकते हैं क्या? इंडिया को मेडल ला सकते हैं क्या? लेट हिम एंजॉय। बस हुआ, खुश है ना? श्वेता को अब थैंक्स बोल के जाके सो जाओ। बेटी तुम्हें वाकई ओ ओ बस बस जाके सो जाओ। संभाल के संभाल के दादा। देखा ना कितने खुश लग रहे हैं, रात में दो पैग मिले तो काफी है, छोटे बच्चे की तरह आराम से सो जाते हैं। तुम्हें एक और सीक्रेट पता है, जब वो पीते हैं बगल वाले को पता भी नहीं चलता, बिल्कुल चुप रहते हैं। दरवाजा खोल। दो पैग पीने को कहा था तो आधी बोतल पी के घर के दरवाजे तोड़ रहा है बूढ़ा। इसको तो चढ़ गई यार। आओ दादा, चलो दादा। अरे दादा चलो। मैं बूढ़ा हो गया समझ कर मुझ पर हुकुम चलाना चाहते हो तुम? मैं अभी भी जवान हूँ समझे तुम? सॉरी बेटी, सॉरी, इसकी शादी तुमसे करवा के मैंने गलती कर दी। ये सब बातें रहने दीजिए, सुबह बात करेंगे। क्या हो गया? बाप की कैसे देखभाल करते पता है तुम्हें? नहीं बताना? मेरे पोते गजा को पता है, मेरे पोते गजा को पता है। बच्चे तुझे पता है क्या? दादा दादा बहुत हुआ, चलते हैं। अरे इससे क्या डरते हो तुम? What can he do for me? मगर अगर मुझे गुस्सा आ गया तो ऊपर के कमरे में जाके दारू पी के वापिस नीचे आऊंगा। आपको ना आप ठहरो, ये तेवर लूंगी। नीचे कर। ये क्या कर रहे हैं? क्या मतलब? अपने बेटे को बताओ मुझे नहीं चाहिए वो डॉक्टर का घटिया टॉनिक। दारू ये बात मेरे पोते गजा को बताए। गजा हाँ? तुमने दारू पिलाया? मुझे दारू की रानी चाहिए। कौन सी रानी? कौन सी रानी? रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी? नीचे करो, तुम उसको बुलाओ। हाँ, हाँ। मुझे उसके साथ डांस करना है। डांस? डांस करना है। क्या बोलती तू आती क्या खंडा ला? दादा आपको चढ़ गई है दादा। चलो चलो पहले कमरे में चलो, बाद में डांस करेंगे दादा। चलो सुरप्पा, तेरे भाई को मारने वाला हैवान पश्चिमी दिशा में आराम से बैठा है। भाई भाई उसका नाम गाजा है, बेंगलोर में कृष्णा के साथ पढ़ता था। अय्या, मेरे भाई का कत्ल करने वाले का भविष्य इस पर तुम देखो, मैं उसके सर को काट के लाऊंगा। भैया
भैया। क्या भैया, अभी भी सोए हो? कॉलेज जाना है ना? मैंने कुछ भी लिखा हो तुम्हें ही आके मुझे मेरे मार्क्स बताने पड़ेंगे। ओहो, और क्या? उड़ जाओ ना। माँ, कॉलेज जा रही हूँ। हो आओ बेटा। श्वेता, तुम भी चलोगी क्या? जाके आओ बेटा, तुम्हें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो। बाय चाचा, बाय डैडी। चलती हूँ। जाके आओ। बाय दादा। बाय दादा। ओ, गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग। आ गए घर के नौकर, सुबह सुबह मुझे चाय भी नहीं दी। चाय तक नहीं पिलाई आपको? नहीं ना। क्या बोलूं मैं, रात को जो आप हम पे बरस रहे थे, हमारी लुंगी गीली हो गई थी ना, उसे ही धो रहे हैं। ओ, वहाँ है क्या? हाँ, निकल लो दादा। अरे अरे, मेरा नंबर देख। अरे कमल कहाँ है? कमल कहाँ है? कमल कहाँ है? ए, कौन है कमल? मैं ही हूँ कमल। इतने बड़े कॉलेज में इतना छोटा सा बोर्ड लगा है, कुछ दिखता ही नहीं। हाँ, एक्सक्यूज मी। 422, 422, 422, 422, 420, 419, 419, 420, 421, 423, 423 मिसिंग, मतलब हैट्रिक फेलियर। कमल की तरफ से आपको थैंक्स। मेहनत करने पर भी इतने कम मार्क्स आए। मेरा नाम कमल है, सब मुझे कमल ही कहते हैं। तो हम क्या करें? मैं आपसे लव करना चाहता हूँ। सॉरी, नो वैकेंसी। देखो, मेरे पास रिकमेंडेशन लेटर भी है। रिकमेंडेशन लेटर है? उससे फॉरवर्ड करी। ये पापी कॉलेज फूल बनाए, मुझको नहीं चाहिए ये कॉलेज। क्या है कमल, ये सब फटे हुए ढोल की तरह बजते ही जा रहे हो तुम, कब से? फिर से फेल हो गए क्या? मैं फेल हो गया इसलिए फील नहीं हो रहा है, लड़कियों के सामने फिर से फूल बन गए इसलिए फील हो रहा है। आ, ब्लडी फूल, हर एक लड़की के पीछे भागोगे तो यही होगा ना। देखो, जान पहचान की किसी लड़की पे ट्राई करते हैं, समझे क्या? मिलेगी क्या? हाँ, 100% मिलेगी। मिल गई। थैंक्स। क्यों रे? सत्या पे ट्राई करने को बोला ना। मैंने क्या बोला रे? जान पहचान वाली लड़की पे ट्राई करने, तूने तो बोला था। क्या रे, कैसी है वो? वो कौन? वही तेरी एक्सीडेंट वाली लड़की श्वेता। दो सेंटीमेंट डायलॉग बोलकर घर जो लेकर गए हो, क्या चक्कर चला रहे हो? देखो सत्या, तुमको क्या यार, मैं सत्या के सिवा किसी को नहीं जानता। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझ पे रहम करके सत्या को सेट कर दो ना। हाँ, आके लेकर जाओ ना, कौन मना कर रहा है? भगवान तेरा भला करे। आओ सत्या, आओ। हाँ। हे, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं है रे, वो तुमसे प्यार करना चाहता है, मुझे बीच में नहीं आना चाहिए, इतना ही। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इस मिस्टर बीन से ये मिर्ची मसाला मजा नहीं आएगा। रोते क्यों हो? मैंने कहा ना मैं बात करूंगा। सत्या, तुम ऐसे डायरेक्ट बोलोगी, उसे बुरा नहीं लगेगा, और उसने कुछ कर लिया तो क्या कर लेगा वो? उंगली चूसेगा, वरना हाथ जोड़ के खड़े रहेगा। ऐसा नहीं है सत्या, ये बहुत ही सेंसिटिव है, तुझसे उब जाएगा तो खुद ही चुपचाप साइड में चला जाएगा। प्लीज कमल। गजा, हम दोनों के बीच गजा हो तो मजा नहीं आएगा। बहुत अच्छा है कॉलेज कैंपस, इतना बड़ा है, यहाँ लेक्चरर से बात नहीं करूँ। नहीं नहीं, देर हो गई, कम ऑन। मजा आएगा, कम ऑन। गुड गुड, कम ऑन, ऐसे देर हो गई, जल्दी आओ ना, चले आओ। कम ऑन भाई साहब। क्या है? क्या कर रहे हो? दिखता नहीं क्या? दाना डाल रहा हूँ। मतलब वहाँ दाना डाल रहे हो? बोलो, अब बोलो ना। ओए, क्यों मार रहा है? क्यों मार रहा हूँ? तो ये मेरे भैया है। ओहो, तुम्हारा भैया है, तो फिर मेरे बारे में बता दो। इनसे मेरी शादी हो रही है, तुम्हारे जीजा जी। अरे रे रे रे। जीजा जी, श्री रामचंद्र मूर्ति, बिल बेंडिंग, आप यहाँ क्यों आए जीजा जी? वैसे ये गारंटी पास हो जाएगी, मुझे पता था, इसलिए पार्टी लेने के लिए आ गए। ओ, पार्टी चाहिए? पार्टी? यस सर। हाँ
पाउरी बंग 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 पाउरी कौन है तू बुलबुल सिंगारी कौन है तू बुलबुल बंगाली मिर्ची हूँ शोला हूँ बिजली हूँ अमीरी प्यास बुझा जा तू कौन है तू बुलबुल सिंगारी कौन है तू बुलबुल बंगाली मिर्ची हूँ शोला हूँ बिजली हूँ अब मेरी प्यास बुझा जा तू चाली मैं नहीं हूँ मवाली बुलबुल 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 बाउरी बाउरी बंग 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 बाउरी कौन है तू बुलबुल सिंगारी कौन है तू बुलबुल कौन है तू बुलबुल सिंगारी कौन है तू बुलबुल बंगाली मिर्ची हूँ शोला हूँ बिजली हूँ अब मेरी प्यास बुझा जा तू कृष्णा के साथ जो पढ़ता था गाजा के डिटेल्स दे दो एक सौ दसवां एप्लीकेशन कहाँ है भाई भाई वो बड़ा खिलाड़ी है कहीं भी अपने निशान नहीं छोड़ता इस वक्त वो मैसूर में कहीं छुपा है मैसूर में मैसूर में कहाँ रहता है वो
फोटो वाले लड़के को देखा है क्या? नहीं साहब। हेलो, ये फोटो वाले लड़के को देखा है क्या? नहीं भाई, नहीं देखा। आहा, क्या खूबसूरत लड़का है यार तू। तुझ में ना कमाल का स्टाइल है। ए गजेंद्र मूर्ति, इस वक्त हम लोग संबंधी के घर जा रहे हैं, तुझे लड़की देखने नहीं, जल्दी कर। ओ, इस शक्ल से उस नाम का कोई मेजोली नहीं है। शॉर्ट एंड स्वीट गज्जा कह दो, काफी है। ओ सॉरी सॉरी, मेरे पिता का नाम तुम्हें पसंद नहीं है? हा? बिल्कुल। दादाजी क्या हुआ, कॉफी ठीक नहीं है क्या? बेवकूफ कही के ची, फिर से वही सॉक्स पहन के आ गए क्या? दादाजी आप ऐसा बोलेंगे, पता था इसलिए। ये नए सॉक्स है, ब्लैक कलर है। सॉक्स कहते हो? गंदी बदबू आ रही है। दादाजी मुझे पता था आप ऐसे ही बोलेंगे, इसलिए पुराने सॉक्स भी लाया हूँ। तू तू सुन कर देखना, पर छोड़ कर गया। गजा क्या है तुम्हें इस तरह देख के लगता है कि दरवाजा खिड़की सब बंद करके पास आ जाऊं? हाँ, फिर तो मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी। आई एम रेडी। क्या रेडी? गजा सत्या छोड़ो, सत्या नहीं छोड़ूंगी। नो सत्या, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? सत्या छोड़ो, सत्या गजा सत्या छोड़ो, बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है? सत्या बच्चा नहीं, मैं हूँ। सॉरी यार, टैक्सी तुम्हारी है, लिफ्ट उससे ले लिया। बाय अप्पा जी। क्या है, क्या है ये? टी-शर्ट है? ये नहीं, उस दिन कॉलेज में सत्या को मेरी गर्लफ्रेंड बनाया और आज दरवाजा बंद करके। कमल ये सब कुछ बस यूं ही, इतना सब करके यूं ही बोलता है। मैं वो देखो तो ऐसा बोलती है और कमल जान खाता है। क्या है? मैं भी आपके साथ आऊंगी। क्या वहाँ पर भी श्रीराम का स्वयंवर हो रहा है क्या? शादी से पहले उस घर में तुम नहीं जा सकती, समझी? उन्होंने ही फोन करके मुझे बुलाया है, तुम ही कुछ करके मैनेज कर लो ना। हाँ श्वेता को भी साथ ले लो। आइए भाभी। अरे वरलक्ष्मी भी आई है। हाँ आपने फोन रखा, मगर जीजा जी ने वही फोन उठाकर तुम्हें आना ही पड़ेगा, ऐसे मिन्नतें करने लगे। बुला लिया ना? ए वो फूल बिल्कुल ठीक है, उखाड़ो मत। बेवकूफ है भाई साहब। हाँ, आइए अंदर चलिए। सत्या कल जो भी हुआ उससे कोमल को बहुत बहुत बुरा लग रहा है। क्या हो गया? रूम में ही गजा और तुम। ऐसा सोचोगे तो बहुत तकलीफ होगी, आज नहीं तो फिर कल, ये सब कॉमन। वो देखो तो यू ही है बोलता है, तुम देखो तो कॉमन है बोलती हो। यू ही है या कॉमन है मुझे अभी बता दो तुम। इस ब्रिलियंट दिमाग को ऐसी कौन सी बात है जो समझ में नहीं आएगी? अक्कलमंद हो तुम। पर इसने तो मुझे बताया ही नहीं कि ये कॉमन है या बस यू ही है। ए जी, चंद्रशेखर का बेटा है जी। बिल्कुल है, आपने तो इज्जत उतार दी साले साहब। हाँ वरना हम सब की इज्जत उतर जाती ना। क्यों बेटा गजा, ठीक तो हो ना? हाँ। अभी अभी तुम्हारी माँ मिली थी, कह रही थी कि तुम आए हो। बेंगलोर का पानी जाते ही तुम्हारा रंग तो बदल गया, देखो कितना चमक रहे हो। मेरी बेटी विद्या नाम है। हाँ। कैसी लगी, पहचाना नहीं क्या? जी नहीं। आहा, तुम्हारी बेटी साक्षात महालक्ष्मी लगती है। आहा, कितनी शर्मा रही है, जब देखो गजा गजा का रट लगाए रखती है, अभी सामने ही खड़ा है, बात करने में शर्मा रही है। आहा थू, ये देखो कैसे खड़े हैं, बस खंबे की तरह खड़े हो गए। पिताजी को 100 बार कहा था, इस बेवकूफ से शादी कैसे कर सकते हो? बात करो ना लड़के से, बात करो। क्यों बेटा गजा, ठीक हो ना? मैं क्या बताऊँ आपको, ये जो किचन है ना, बगल में अपना कोई साथ में ना हो तो क्या हो बेटा? मिर्गी का दर्द। घर का फंक्शन सोच कर आए, वरना तो मैं किचन पकड़ के बैठा रहता हूँ घर पे। हाँ विद्या बहुत ही अच्छी है, मुझे तो पसंद है। पसंद आने से क्या फायदा होगा बेटा, किस्मत भी चाहिए ना। ओहो क्या मुंह देख के खड़े हो काले सांड की तरह, वहाँ पे हजारों काम है, लोग इंतजार कर रहे हैं। थू जाओ यहाँ से, जाओ ना। देखो बेटा
कहीं चक्कर आए तो तुम तो काम से जाओगे। याद रखना ये किचन पकड़ के रखना संभाल के। तो चलूं मैं, चलती हूँ। साले साहब कहीं आपको सब कुछ बस यूं ही। यानी कि वो सब बस यूं ही था। सत्या ने ठीक बोला था, ये कोमल अकलमंद है। जरा जाओ ना, श्वेता को बुला लाओ। साले साहब मैं एक बात पूछता हूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा माना तो पूछोगे नहीं। कुछ नहीं, सोचा गुस्सा करोगे, कहीं प्यार तो नहीं हो गया? प्यार है, लड़की को बटाना पड़ेगा। क्या बात है, सभी लोग जाल बिछाकर हार लेकर आते हैं, आप तो हार लाने के बाद जाल बिछा रहे हो। अपना ऐसा ही है, सब उल्टा पुल्टा। बिल बनाने के बाद ही चूहा अंदर घुसता है ना। साले साहब आप तो बड़े कमाल के हैं, है ना? चलो। क्या दादा? कोई मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। श्वेता तेरे साथ बहुत जचेगी। ला 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 ला। श्वेता सोचा था आज के फंक्शन में स्पेशल अट्रैक्शन तो मैं ही बनी रहूंगी, लेकिन सब तो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। ये बताओ ये सब तुमने किसे सिखाया? जब मैं छोटी थी तब मेरे भाई ने सिखाया था। क्यों रे गजा, इसने कितना अच्छा गाना गाया। एक बार अगर इसकी तारीफ करोगे तो तुम्हारा कोई नुकसान हो जाएगा क्या? हाँ, वक्त आने पर तारीफ ही तारीफ करूंगा मैं। हेलो गजा, मैं बेंगलोर से रमापा बोल रहा हूँ। तुम्हारे बारे में 5-6 गुंडे लोग कॉलेज में घुसकर डिटेल्स कलेक्ट कर गए हैं। उनको पता चल गया है कि इस वक्त तुम मैसूर में हो। मंगनी तो हो चुकी है नागन, कल ही निगाहें आंखों के सामने उसने ऐसा कर दिया, मतलब मेरी तो इज्जत चलेगी। नागन आप ही कुछ कीजिए नागन। इन मवाली लोगों को देखे तुम्हें लगा हम डर जाएंगे भैया? डरने की जरूरत तुझे नहीं है, इसे है, ये उल्लू का पटक गया का। हरी मतलब मेरी जान है, उस जान को ही निकाल देता हूँ। हरी, छोड़ दो उसे, मत मारो उसे, छोड़ दो। हरी, भैया, उसे कहो उसे मत मारे, मैं भुला दूंगी उसको भैया। भाई कुछ नहीं भाई, एक छोटा सा मामला था भाई। आओ, आपके भाई के मरने की खबर मिली भाई, खून खोल रहा है मेरा। किसने मारा उसे?
गजा, मेरी आंखों के सामने ही मार डाला। मुझे पता चला है कमीना इसी शहर में है, इसलिए तुम्हारे पास आ गया। अगर वो इसी शहर में है, फिक्र छोड़ो, उस गजा को काट कर गोश्त की दुकान में लटका दूंगा मैं। वो चाहे कहीं भी छुपा रहे, मेरे लड़के उसे ढूंढ निकालेंगे। ये काम अब मेरा है, तुम उसके बारे में फिक्र मत करो। मैं हूं ना सुरप्पा भाई, मैं हूं ना। कंफर्म ना सर? सर यहाँ पे हजारों लोग वोटर आईडी बनाने आते हैं, पर आप तो कैंसिल करना चाहते हैं। बोलो कमल। गजा, अभी हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, खत्म करके एक घंटे में घर आ जाएंगे। शॉपिंग ना, श्वेता कहाँ है? श्वेता, मैं, सत्या, वरलक्ष्मी, माजी सब यही है। किस कॉम्प्लेक्स में? लक्ष्मी, तुम्हें जो चाहिए सिलेक्ट करना। वो नेकलेस दिखाइए। वही दिखाइए। मैडम, ये नेकलेस आप पे बहुत अच्छा लगेगा। लक्ष्मी, ये देखो बेटा, अच्छा है ना? वो नहीं, बगल वाला, नेक्स्ट। हाँ, वही नेकलेस दिखाइए। नाइस डिजाइन, बहुत अच्छा है ना? तुम्हें पसंद आया? ये वार लक्ष्मी में जाएगा ना? अच्छा है, इसे पहनते ही माँ लक्ष्मी जैसे दिखेगी। बहुत अच्छा है, किसने सिलेक्ट किया? वो अच्छा है तो क्या हुआ, ईश्वर के गले में सांप के जैसा लगेगा। ईश्वर पे सांप ही जचता है। नेकलेस तो अच्छा ही है, मगर इस पे। हम लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं, सांप पकड़ने नहीं। जो करना है करो। ये सिलेक्शन तेरे लिए। थैंक यू। मैंने बोला था ना, सत्या का और मेरा टेस्ट एक ही है। दे दो सर, पैक कर दो सर। पैक नहीं, टेक बैक। एक बार टेस्ट देखो तो पहनना वेस्ट है। नेकलेस प्यारा है ना? अच्छा है ना? आपका और मेरा एक ही टेस्ट है। आप भी मैडम इस नेकलेस को पहनेंगी तो सत्य की तरह बहुत सुंदर दिखाई देंगी, है ना? आपने मुझे क्यों मारा मुझे नहीं पता, आपको पता है? हाँ हाँ, मुझे सब पता है। पता है तो फिर ठीक है। सत्य, मुझे रोना आ रहा है, साइड में जाकर रो लेता हूँ। Yes. Excuse me. ठीक है सर। Thank you. इसे पैक कर दीजिए। सॉरी मैडम, ये नेकलेस किसी ने सिलेक्ट कर लिया है। हा? गलती से हम लोगों ने यहाँ डिस्प्ले कर दिया। क्या है मैडम, इसको बहुत पसंद किया था हमने। उन्होंने भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत चाव से सिलेक्ट किया मैडम। ये आप हमें दीजिए, बाद में उन्हें दूसरा बना दीजिए। अरे ये तो गलत है, शादी में कोई भी डिजाइन चल जाएगा, पर लव में नहीं चलता। वही डिजाइन चाहिए, बेचारा बहुत मेहनत से सिलेक्ट किया होगा। हमें नहीं चाहिए, उसी को दे दो, उसी को दे दो। चलो 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 जल्दी, सब चलो निकलो, चलो चलो। आप आगे जाओ, मैं एक मिनट में आया। ये मेरे भाई कमाल की चिड़िया है, ये तो मुझे पागल कर देगी। श्वेता, काश हमें वो नेकलेस मिल जाता तो मजा ही आ जाता। कुछ भी बोल भाई, फटाका लग रही है। हाँ। नहीं दिखा रहा है। ओए। ओए। क्या रे, बहुत घूर रहा है भाई। ठीक है भाई, भाई मैं ये पास में ही हूँ। आया भाई, ये चलो रे भाई का फोन था। कैसी टोपी है रे ये? काउबॉय स्टाइल। यानी गाय का बच्चा है क्या? अंग्रेज लोग ऐसे ही थे। बेटा, हाँ? इस रोड से क्यों जा रहे हो? उस तरफ ट्रैफिक ज्यादा है ना माँ, यहाँ ठीक है। गजा जोर से गाड़ी चला रहा था, सत्य ने उल्टी तो नहीं की? कमल यहाँ आओ। क्यों बुला रहा है? कमल। हाँ। मैं अभी आता हूँ। तुम आराम से जाओ, तुम फिक्र मत करो, सत्या को मैं अच्छे से कंपनी दूंगा। देखो आ गई सत्या। सत्या आओ, सत्या ऊपर जाकर चेस खेलेंगे। आंख बंद करो तो सपने में भी वही दिखाई दे रहा है। एक ही बार वो मेरे हाथ लग जाए
फिर आराम से सो जाऊंगा मैं। छे 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 छे, उस सुरप्पा के आगे झुकना पड़ रहा है मुझे, हैं? अपना ही तो शहर है ये, पूरे शहर में ढूंढ लिया हमने, लेकिन वो कंबकत गजा मुझे मिल ही नहीं रहा है। मुझे तो लगता है चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाऊं मैं, हैं? कहाँ छुपा है वो? कसम खाता हूँ मैं, अगले 24 घंटे के अंदर अगर तुम लोग ढूंढ के नहीं लाए तो देखना तुम में से कोई जिंदा नहीं बचा। ओए, कौन है रे तू? बात पहले, एड्रेस बाद में। हाँ? ए, कौन है रे तू हैवान? अभी आधे घंटे पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के आगे 4-5 लड़के लड़कियों के बारे में कुछ बुरी बातें कर रहे थे। वो लोग इसी घर में आए थे, तेरे ही लड़के होंगे ना वो। उन्होंने जो किया गलत किया, यही बोलने आया हूँ। बुलाओ उन लड़कों को। ओए, जा यहाँ से। ओए, चल। ओए, मैं झगड़ने नहीं आया हूँ, समझाने आया हूँ। या मुझे तुम लोगों से कोई काम नहीं, उनसे है। आप ही बुला रहे हो या मैं ढूंढ निकालूं? कोई सेटलमेंट होगा भाई, मगर ना किसी को धो रहा है। किसी लड़की के बारे में कुछ बकवास करके कमेंट्स करोगे, याद रख बच्चे, जमीन के नीचे काट दूंगा। दादा है क्या तू? गुंडा है, भाई है? हाँ? पीछे 4 बच्चे खड़े हो तो तू बड़ा गुंडा बन जाएगा। हाँ? मुझसे पंगा लोगे, मुंडी काट कर फेंक दूंगा। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो गया? उसके घर की औरतों को ये कमीने चिढ़ा रहे थे ना, कुत्ते की तरह मार के चला गया भाई। कौन था वो? इतना मारा कि मैं तो नाम भी भूल गया। गजा नाम था भाई। गजा? गजा? मुझे भी यही गजा चाहिए था, वही है गजा। यस मिस। अब मेरी बारी। कितने प्यार से ट्राई कर रहा हूं, ये रानी मेरे हाथ ही नहीं लग रही है। ब्लैक गिर गया ये। ब्लैक गिरा। नेक्स्ट रेड मारो, ये लो। इस देश में औरतों की तादाद कम हो रही है, ऐसा किस बेवकूफ ने कहा था? भैया, तुम्हारे साथ कुछ बोलना था मुझे। ए, एक हफ्ते में तेरी शादी है रे। सॉरी बेटा, अब तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं ही यहाँ हार रहा हूँ। रानी नहीं मिल रही है।
रानी छोड़ो, महारानी भी मिल जाएगी, मेरी बात मानोगे तो। रियली? वो कैसे? अरे भैया, मेरी फ्रेंड रानी है ना। क्या हुआ उसे? लव। लव? वो तुम्हारी तारीफ पे तारीफ करके बिल्कुल पागल हो जाती है। कहती है शादी करूंगी तो सिर्फ गजा से ही। इतना ही नहीं, परसों एक टांग पे घर पे आई, मेरे पैर पकड़ लिए, बोलने लगी किसी तरह अपने देवर को शादी के लिए मना लीजिए वरना मैं उसकी दोनों टांगे काट के फेंक दूंगी। पता है? बाप रे, लेकिन चाहे वो एक टांग पे खड़ी रहे या फिर पैरों पे गिर के गिड़गिड़ाए, बचपन में हम दोनों के बीच में क्या क्या हुआ था ये भूलना मत। हाँ, आप लोग खेलते रहो, मैं जरा रानी मैडम को मिल कर आता हूँ। तो चलिए 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 चलिए, बहुत सी बातें करनी है उसके साथ। भैया जाओ। अब बताओ वो कौन सी नागरानी है? कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इसका ऑर्डर दे गया था। इसको हमने कितना पसंद किया पता चलते ही, नहीं नहीं तुमने कितना पसंद किया पता चलते ही वापस भेज दिया है। भाभी ऐसा है? हाँ, क्या है? लव है। वो मुझे बहुत पसंद है। वो यानी श्वेता। कौन? क्या? हाँ, ठहरो ठहरो ठहरो, ये तो वन साइड लव है, इस तरफ से तो सिग्नल जा रहा है पर उस तरफ से अभी सिग्नल मिला नहीं। आप कहे तो सिग्नल हम दिला देंगे। हाँ, ये तकलीफ आप मत उठाओ, किस वक्त क्या करना है मैं ही करूँगा, आप कृपा करके रोटी मत सेकिए। रोटी का ऐसे ही रहने दो तो जल जाएगी। कोई बात नहीं, जली हुई खा लेंगे, आप लोग कृपा करके। चाचा जी, रेड गिरा। हाँ, रेड गिरा, देखना रेड रानी मेरी है, चलता हूँ। क्या रेड गिराया? रेड गिर गया। रानी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ए, तुम भी ना श्वेता, वो सब लोग तो मजाक करते ही रहते हैं। तुम किसी से प्यार नहीं करते हो? मैं सबसे प्यार करता हूँ मगर मुझसे तो कोई प्यार नहीं करता। सच बताऊं, लड़कियां हमेशा तुम जैसे बंदर को ही पसंद करती हैं। एक मिनट, तुम लोग खेलो।
मौसम जैसे रंग बदलते वैसे लड़कियां रंग बदलती, बाद शादी के मायके भूल जाती है। लव यू कहकर मस्त मारती, बात मानने पर मुस्कुराती, चोरों का गुलाम बनाती है। शादी किस्मत का कनेक्शन, दो दिलों का इंटरेक्शन, बात पति की ये जान लो, ए दोस्तो। बच गई, वरना अब्बा जी जान खा जाता। क्या हुआ अब्बा जी? बस करो सत्या, बहुत हुआ। मंदिर में जैसे प्रसाद बांटते वैसे प्यार बांटने वाली लड़की नहीं चाहिए। ऐसा मत कहो अब्बा जी, एक बार फिर से सोच तो लो। यही सब सोचकर मेरा दिल रुक रुक के धड़क रहा है सत्या। आई एम सो सॉरी सत्या, हम दोनों की अलग होने की बात को अचानक बोलूंगा तो तुम्हें हर्ट होगा, ये मुझे अच्छी तरह पता है। मुझ जैसे मर्द को इतना दर्द हो रहा है, तुझ जैसी लड़की को भुलाने में मुझे 10-20 साल तो चाहिए ना, परिजन में इतना काफी है। बस करो सत्या, बहुत हुआ। वो क्यों, मुझ पर शक है अप्पा जी? तुम पर पूरा भरोसा है सत्या, कल को हमारी शादी हो जाएगी और उससे तुम्हें बच्चा पैदा हो, और मैं पूछूंगा ये कैसे हुआ तो वो कहेगा यूं ही, तुम तो उसे कॉमन कह दोगी। अब तुम कभी भी मुझको ऐसे झुककर देखने की कोशिश मत करना, मेरी बात तुम समझ गई ना? तुम तो बुद्धू हो, मैंने जो कहा मुझे ही समझ में नहीं आया, तुम्हें क्या समझ में आएगा, ये लड़के ऐसी है। तो एक मिनट का नशा है, प्यार करो तो लाइफ लॉन्ग नशा है। मैं ही नीचे आ जाता ना वरू, तुम ससुराल जा रही हो वरू? तुम पे ये फेस सूट ही नहीं करता भैया। श्वेता तुमसे प्यार करेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी भैया। श्वेता बहुत खुश रहने लगी है, ये सब तुम्हारी वजह से है। देर मत करो, दिल की बात श्वेता को बोल दो, जब अगली बार मैं यहाँ आऊंगी तुम्हारी शादी तय हो चुकी होगी। श्वेता क्या पढ़ रही हो बेटा? ह्यूमन साइकोलॉजी। गुड, वेरी गुड, लोगों की साइकोलॉजी समझना अच्छी बात है। मेरा दामाद जिस लड़की को बाहर रहना चाहिए था उसे घर पर क्यों लेकर आया? तुम्हारी साइकोलॉजी क्या कहती है? तुम्हारी बातें, तुम्हारी चाल चलन देखकर मुझ जैसे बुजुर्ग को भी अच्छा लगता है, तो फिर मेरा नौजवान दामाद अट्रैक्ट हो गया तो गलत नहीं है। शादी में आप सारे लोग, डेकोरेशन अच्छा है, अरेंजमेंट किसने किया, कैटरिंग किसने किया, इन सब बातों का जवाब दे पाया, लेकिन तुमको दिखाकर पूछने लगे कि यह लड़की कौन है, बेचारी अनाथ है, मेरा दामाद उसे हमारे घर लेकर आया है ऐसे गजा की तरफ बहुत आसानी से, मैं उन सबको जवाब नहीं दे पाया। देखो बेटा, मैं हूं गांधीवादी, बुरी चीजें नहीं चाहता, कोई भी मर्द अपने दोस्त को रास्ते पे छोड़कर नहीं आता, ऐसी हालत में घर पर लेके आता है। याद रहे, बुलाने वाला हर एक मर्द के पीछे औरत जाने लगी तो वो गिरती है रास्ते पर। देखो, इस घर की बहू बनने वाली मेरी बेटी की जगह पर कोई दूसरी हो मुझे पसंद नहीं है, रहने भी नहीं दूंगा। व्यापारी हूं मैं, सारे रिश्ते मेरे लिए धंधे जैसे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मोल नहीं लगा रहा हूं। मेरा दामाद पसंद करता है, ये लो एक ब्लैंक चेक, जितना चाहिए इतना भर लो, लेकिन तुमको चलता हूं बेटा। कहाँ है आंटी?
वो आपके पति द ग्रेट बिजनेसमैन राम मोहन कहाँ है? आओ दामाद जी आओ। दामाद नहीं हूँ, आपका भांजा हूँ, सिर्फ आपका भांजा हूँ मैं। अभी थोड़ी देर पहले इसके पास आकर बड़े आदमी की तरह लॉजिक बोल के गए, अगर मैं सिर्फ एक मिनट के लिए भूल जाऊं कि तुम मेरी माँ के बड़े भाई हो तो यहीं पे मार डालूंगा। मुंह खोला तो खत्म। तुम गांधीवादी हो सकते हो लेकिन मैं नहीं हूँ। ये क्या कर जा? बड़ों की इज्जत तो करना सीखो। आपके महान पति जी बेटी की उम्र की लड़की के पास आकर बिजनेस की बात करके गए ना? मैंने कभी बोला था कि मैं सत्या से शादी करूंगा? बोल सत्या। ए, सारे रिश्ते तेरे लिए बिजनेस हैं, पर मेरे लिए सब कुछ वही है। तुम जिसे बेचते हो मैं उन्हें अपने दिल में रखता हूँ। आज सब खत्म। श्वेता मुझ पे भरोसा करती है, इसके बारे में किसी ने अगर गलत बात किया। चेक देके चेक कर रहे हो? बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं मैं, शमशान पहुंचा दूंगा, खबरदार। इस टाइम में मुझे इस तरह बोलना सही है या गलत मुझे नहीं पता। फिर भी मन में जो बात है उसे तुमसे ना कहूँ तो गलत होगा। तुमने तुम्हारी फैमिली ने मुझे जो प्यार दिया उसमें पिघल चुकी हूँ, ये सच है। मैं कौन हूँ मैं भूल गई थी। यही होता तो शायद सब कुछ भूल चुकी होती। आपके अंकल को थैंक्स कहती हूँ। मैं फिर से लंदन जाने के बारे में सोच रही हूँ। मेरा भविष्य तुम्हें कोई तकलीफ दे मुझे पसंद नहीं। मेरे लिए तुमने जो तकलीफें झेली इतना कुछ किया शायद इस जन्म में मेरे माँ बाप भी नहीं कर सकते थे। तुम्हारा मेरा रिलेशनशिप सिर्फ फ्रेंडशिप में ही खत्म नहीं होगा। It's something more, गजा। मुझे नहीं पता ये क्या है। ऐसे रिलेशन को एक छोटा थैंक्स कह के खत्म करूं मुझसे नहीं होगा। I miss you, गजा। मेरी जिंदगी की अब कोई भी बात क्यों ना हो उसका फैसला तुम ही करो, यही चाहती हूँ। मुझे फिर से लंदन वापस भेज दो गजा। Thank you.
सर सर अभी अभी मेरे साथ एक लड़की बैठी थी ना, आपने उसे देखा? नहीं देखा। नहीं देखा क्या? सर सर अभी अभी मेरे साथ एक लड़की कॉफी पी रही थी ना, बड़ी मासूम है, कुछ नहीं समझती, आपने देखा क्या? नहीं सर नहीं देखा। कैसा आदमी है तू? देखा नहीं क्या? इतनी देर यहीं थे और बोलते हो नहीं देखा? नहीं देखा। समझ में नहीं आता क्या ये सब गुंडागिरी? किसको गुंडा बोल रहे हो? इतने लोग हो यहाँ, एक लड़की के बारे में पूछा तो कहते हो पता नहीं, किसको गुंडा कहते हो? रुके, स्टॉप इट। थोड़ी देर पहले तीन चार गुंडे लोग आकर उस लड़की को उठा के लेके गए। उठा ले गए। ए गजा, क्या हुआ रे? क्या हुआ बेटा? पता नहीं कहां से उस लड़की को लेकर आए, कहने लगे वो यहीं रहेंगी। तुम पर मुझे भरोसा है तो मैंने कुछ भी नहीं पूछा। उस लड़की के लिए रिश्तेदारों भी दूर हो गए, फिर भी मैंने कुछ नहीं पूछा। मगर आज तो तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। श्वेता कौन है? कौन है वो? गजा? इस गांव में खाना वाना खाकर 8 किलो वजन बढ़ गया है, और इसके साथ रहकर टाइम पास करने के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं किया, सब कुछ जीरो। तुम यहाँ अगर नहीं आते तो कृष्णा जैसा फ्रेंड भी नहीं मिलता और श्वेता जैसी लवर भी नहीं मिलती। अरे वाह, तुम भी कभी कभार सच्ची बातें कहती रहती हो, है ना कृष्णा? क्यों चेहरा उतरा हुआ है? तुम तो मेरे भाई राजकुमार हो, कहीं भी रहो खुश रहते हो, मेरा ही प्रॉब्लम है। खुद के गाँव में जाने में रो रहे हो? वो गाँव मुझे पसंद ही नहीं है, याद करो तो लगता है भाग जाऊंगा वहां से। मगर इस बार लंदन से श्वेता आ रही है, उसी के लिए गांव जाना होगा मुझे। एक काम करो, तुम्हारे साथ मैं भी गांव चलता हूँ, तुम्हारी बहन को लेकर तुम मेरे यहाँ आ जाओ, मेरे ही घर में रहना, अच्छा लगे तो आगे पढ़ाई करो वरना नौकरी कर लो। थैंक्स गजा। कमाल का जैक लगा रहे हो, अभी तुम इसके लिए इसके गाँव जाना चाह रहे हो या फिर श्वेता के लिए? सच बताओ, श्वेता के लिए ना? झूठ बोल रहा हूँ, सच में श्वेता के लिए नहीं रे, भागो। मुझे अब समझ में आ गया, तुम मुझे बैंगलोर भर में घुमाकर साड़ी जो खरीदी थी, मुझे लगा तुम्हारी माँ के लिए होगी, मगर ये श्वेता के लिए। जरा मुंह बंद रखा करना। ओए, क्या रे, चुप नहीं रहेगा तू? क्या ये सच कह रही है? देखो, लंदन रानी फर्स्ट टाइम इंडिया आ रही है, इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से उसे कोई गिफ्ट देकर वेलकम करना पड़ेगा कि नहीं? बंदर बोलो बोलो, बेवकूफ का बच्चा बोलो, क्या करें यार, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। देखो, अगर तुम उसके पीछे पड़े ना तो हम दोनों की फ्रेंडशिप कट। हाँ, ऐसा नहीं होने दूंगा साला जी, साला साला। बिस्किट? नो थैंक्स। खा लो, कोई बात नहीं। क्या बॉस, कहाँ जा रहे हो? मेरे हार्ट बीट को देखने जा रहा हूँ। यू मीन लवर ना? या मैन, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जरा डिटेल में बोलो। बॉस, क्या डिटेल? रामायण है क्या? रामायण हो या प्रेमायण हो, आप बोलो बॉस। हे, जिसकी एक झलक देख कर हो गया मैं दीवाना। अच्छा। हे, वो नाज़नीन जिस
जिसने पहली नजर में मेरा दिल छीना वो देखने में लगती है क्या गुड़िया गुड़िया आज कहता हूँ इकरार करता हूँ मेरी जिंदगी हो तुम मेरी बंदगी हो तुम मैंने जिसकी तमन्ना की थी वो लड़की हो तुम बेल 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 बजती है मेरे दिल में धक 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 धड़कती है आँख 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 पलकती है तुम्हें देखते ही दिल 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 मचलता है आज कहता हूँ इकरार मैं करता हूँ मेरी जिंदगी हो तुम मेरी बंदगी हो तुम हवा भी रुक बदलता है मैं ना जानू कैसे करूं तारीफ बयां बदिया है तेरी पायल अंबर है तेरा आंचल तुझे बनाया रब ने पूरे सत से चांद सितारे कंगना तेरे आंखें तेरी झील से है तेरा सलोना है तू अनमोल नगीना है ये जिंदगी काफी नहीं तेरी तारीफ के लिए कुछ 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 होता है मेरे दिल में बेल 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 बजती है आँख 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 पलकती है तुम्हें देखते ही दिल 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 मचलता है आज कहता हूँ इकरार मैं करता हूँ मेरी जिंदगी हो तुम मेरी बंदगी हो तुम रूप की रानी तू दिल का राजा मुझे अपना बनाकर संग तू ले जा कौन है लड़का अलबेला मत बना मुझको इतना तू चाहने वाला आ राजा मुखड़ा दिखा जा दिल में समा जा अपना बना जा मुझे देख के दिल मेरा चुराता है धक 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 धड़कता है मेरे दिल से लव 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 ये करता है तेरे पैर पड़ने से धरती हुई पावन रे बहारे आई नजारे खिल उठे तेरे आने से चांद की चांदनी है देख के तुमको कितने हो गए पना क्या कहूँ तेरी अदा लफ्ज नहीं करने को बयां आंखें तेरी तीर चलाए दिल को घायल कर जाए तुम सा ना है कोई नहीं पूरे माना तुम्हें बेल 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 बजती है मेरे दिल में धक 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 धड़कती है आँख 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 पलकती है तुम्हें देखते ही दिल 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 मचलता है आज कहता हूँ इकरार मैं करता हूँ मेरी जिंदगी हो तुम मेरी बंदगी हो तुम
वर्मा, जेल का खाना खाकर मन और शरीर दोनों उतर जाते हैं, ये गुस्सा नफरत क्यों है तुझे? हेलो, हाँ, उफ, भाई, वर्मा जेल से रिलीज हो गया है। भाई, ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं। घर में औरत लोग बहुत परेशान हो गए हैं भाई, रो रो के बेहाल हो गए हैं भाई। कुली का काम करो, कत्ल मत करो, ऐसा कहती है भाई। उस देवेंद्र के खिलाफ काम करना घर वालों को पसंद नहीं है भाई। भाई, औरतें गई भाड़ में, रात को आपके पास सो जाऊंगा भाई, मुझे छोड़ दो भाई। मैं 15 साल से सांस लेके नहीं जी रहा हूँ, समझे हराम भाई। उसकी नफरत ने ही मुझे जिंदा रखा है। खबरदार, तलवार लेकर इस घर को शमशान बनाना चाहता है वो, कैसे भूल जाऊं। हमें बच्चों को सलामत करना पड़ रहा है, उस देवेंद्र को मारने के बाद ही चैन मिलेगा मुझे। आपका गांव अच्छी जगह है साले साहब, गाने बजाने के लिए अच्छी जगह है। गजा, मेरे बड़े भाई, कैसे है भाई? ठीक तो हो ना? लेकिन आपने क्यों तकलीफ की? गाड़ी में जाते? एग्जाम्स कैसे रहे? अच्छे रहे। भैया, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड गजा। नमस्ते सर। चलते हैं। क्यों शिव भाई, ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। क्यों बेटा, तुम तो बता रहे थे कि तुम्हारा भाई बहुत बड़ा डॉन है, इन्हें देख के लगता है किसी मंदिर में प्रसाद बांटने वाले पुजारी होंगे। चुपचाप चलो। क्यों कृष्णा, आगे क्या करने का सोचा है? हाँ भाई, आगे क्या करेगा सर, शादी करेगा। मतलब मेरा प्लान तो वही है, शायद इसका भी यही प्लान हो सकता है। ऐसा क्या हासिल कर लिया जो अभी से शादी करने के लिए तैयार? ऐसा क्यों कहते हैं सर, दुनिया के रूल यही है ना, बचपन में खेलने का, फिर डिग्री करने का, बाद में शादी करने का। बच्चे नहीं रहे तुम लोग, अब जिंदगी में कुछ हासिल करो। अभी अभी तो आए भाई, रहने दो। भाई, वो बच के भाग गया। कमीनों का पीछा करो और उन सबको खत्म करो। आज तो उनको गाड़ देना होगा। Thank you.
सुन ले रहा हूँ। अयो, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, हम लोग मक्खी मारने के लायक भी नहीं है। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे, वर्मा, मारो मुझे। आज तो उसकी किस्मत अच्छी थी, बच गया वो। सही वक्त पर हमला कर दो, समझे? संभाल के कदम रखना है। मतलब हम पे शनि मंडरा रहा है क्या? हम बर्बाद होंगे क्या? हम हिचड़े हैं क्या? हम डरपोक हैं क्या? नहीं, हम पागल हैं, पागल हैं। हाँ, ये वर्मा, अपनी जान बची हो तो उसकी जान जाएगी, ये तो किसी भी पंचांग में लिखा हुआ नहीं है। हम सब लोग जिस दिन एक साथ हमला कर देंगे, उसका किस्सा खलास। ए भाई, इसे धोकर गाड़ी में रख दे। ठीक है भाई। हाँ, इधर ही है भाई। डीसीपी का फोन। हाँ, ए तुम दोनों अंदर जाओ। हाँ मैं हूँ। हाँ, अपनी फॉर्मेलिटीज आप करो, नहीं मेरी तरफ से नहीं चाहिए। मुझे चुपेटा देखकर मुझे कायर समझोगे तो गलती कर बैठेंगे। मेरी सब्र टूटे तो जो भी नुकसान होगा उसका आप जिम्मेदार होंगे। सभी को अगर हम ही समझाते रहेंगे तो कैसे चलेगा भाई? इन कमीनों को हमें ही सबक सिखाना होगा। ऐसा ना किया तो हमारी लाशें बिछी होंगी। ए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। देखो बहुत भूख लगी है, चलो खाना लगा दो। पता चला ना इस गांव के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में। यहाँ प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं। श्वेता को अब भूल जाओ। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ मेरे दोस्त। श्वेता तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास रहेगी तो अच्छा है। भूलना मुमकिन ही नहीं। अबे ओ, बोल भी दर, बोल भी दो ना। बंदर बोलो, बेवकूफ बोलो, मूर्ख बोलो, ए तीन चार अच्छी गालियां देना प्लीज। बोलना साले, बोलना बोलना। जब से आए हो तुमसे बात करने का वक्त ही नहीं मिला है। एग्जाम कैसे थे? ए, मेरे बगल में बैठा था ना, ए, पास नहीं होगा क्या? मेरे पेपर का जीरोक्स भले ही ना किया हो, थोड़ा बहुत तो कॉपी किया ही होगा। आपको देखते ही मुझे मेरी दीदी याद आ गई। ए, तेरी दीदी कहाँ है? ए, दीदी होती तो ऐसी ही होती ना, यही कह रहा हूँ बुद्धू। तुम भी मेरे भाई के जैसे ही हो, कुछ भी चाहिए हो तो इस बहन से मांग लेना। शर्म तो नहीं है? ठीक है ठीक है, जल्दी से सो जाओ, सुबह श्वेता को लेके भी तो आना है। ठीक है। क्या कहते हो साले, मैंने ठीक ही कहा ना? तो क्या? हाँ, ये राष्ट्रपति जी घर पर ही रहेंगे, आप जाके रिसीव करके लेके आइए। रास्ते के बीच में मेरे बारे में जरा बिल्डअप देकर लेके आइए। वो जैसे ही घर आएगी, मैं हेलमेट उतार कर चेहरा दिखाकर उसे पागल बना दूंगा। तो उसे क्या बोलना पड़ेगा? तेरी तो बिल्डअप दे दो, पेंट मारो, पट्टी लगा दो। इस टॉपिक को इसी वक्त खत्म करते हो या नहीं? नहीं करता, नहीं नहीं करता। तेरी तो, तेरी तो साले सोने भी नहीं देगा। ये क्या कर रहे हैं लोग आपस में? इस तरह से कुछ करते हैं क्या? Nice meeting you. Thanks. रास्ते भर में आपके बारे में बहुत कुछ बोला, मुझे लगा सब कुछ झूठ है। अब आपको देखने के बाद मुझे सब कुछ रियल लग रहा है। It's really great meeting you. Bye bye. साले 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 कमाल कर दिया साले, हर जन्म में मेरा साला बनना। आहा, क्या साले, क्या बिल्डअप दिया है साले। ये क्या हो रहा है? उस दिन उसको पकड़ा था, आज तकिए को? ये तो मुझे कोई पागल आदमी लगता है। भागो यहाँ से। ये क्या रील है या रियल है? श्वेता कहाँ है? नहीं है। ए ए ए ए श्वेता,
क्या हुआ तुम्हें? लंदन जाते ही तुम ओहो प्लीज 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 लंदन जाकर खाना ठीक से नहीं खाया, बहुत पतली हो गई हो, ये सब मत बोलो प्लीज। हे भगवान, मैं तो ये कह रही थी लंदन जाके मोटी हो गई हो। हाय हाय गजा। हाय, कैसे आदमी हो तुम? हजार बार ना कहा फिर भी सब कुछ बता दिया ना। ये गजा सुपर है, कराटे ब्लैक बेल्ट है, पढ़ने में खेलने में स्पोर्ट्स में नंबर वन है, बोल दिया ना। अच्छा श्वेता, लास्ट ईयर सारे कंपनी वालों ने मैन ऑफ बैंगलोर का अवार्ड देकर सम्मान करने की बात भी बोला ना। मत बोलो, हमेशा ऐसा ही है, हमेशा बोलता हूँ किसी से मत कहो, सबको ही बता देता है। तो क्या तुम्हें ही बता दिया? क्या रे कृष्णा, कौन हो तुम? एक्सक्यूज मी, आप जरा अंदर चलेंगे? नहीं आता। चल रहे सीरी। बिल्डअप बोलता है, बिल्डअप। क्यों रे साले कमीने, तेरी बहन के सामने बच्चन की तरह बोल देना चाहता था मैं। मुझे मुझे जॉनी लीवर बना दिया तूने। नहीं 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 नहीं, देखो मैं उसका भाई हूँ, मुझसे ये काम करवाते हो ठीक लगता है क्या? तुझसे होगा ना, तू ही कर ले। करूंगा बच्चे, करूंगा। अच्छी लड़की के पीछे पड़ना तो ओल्ड लॉजिक है, मगर उस लड़की को अपने पीछे आते हुए देखना, इस गजा का मैजिक है। अगर पीछे वाले ने मार दिया तो? बहुत बोल रहा है रे कमीने। ए, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। ए, 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 कृष्णा कहाँ जा रहा है? बाहर आ, बाहर आ जा कृष्णा। चल आ जा कृष्णा, अबे छोड़ बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ यार कृष्णा, बाहर आ। आज देखती हूँ। छोड़, ए छोड़ उसे। हे भगवान, उस बच्चे को क्या कर रहे हो? वो बेचारा कितना तड़प रहा है। ये कोई बच्चा है? देखने में तो सफेद सुअर की तरह लगता है। बस अब मुंह बंद करो, जब से आए हो मैं तुम्हें देख रही हूँ। उस बच्चे के साथ तुम क्या करना चाहते हो मुझे सब पता है। बिनीता तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं समझती। हाँ क्या मैं कुछ जानती नहीं? देखो हाँ। बात सुनो बेटा, ये सब इज्जतदारों का घर है, ज्यादा होशियारी की ना तो बहुत मार पड़ेगी। चुपचाप दे दो ये लो। अच्छा थैंक्स। छी छी, ये शहर के लोग भी ना। देखा ना मुझ पर हाथ उठाने का अंजाम क्या हुआ? अब मेरी बहन की बात करोगे तो मारे जाओगे, समझे? लेडी बुद्धा। ये लो, बुद्धा ही डर गया तो सारा जमाना ही डरेगा ना, इसीलिए डर गया। श्वेता जी, आप तो लंदन में थी ना, गांव में एडजस्ट करने के लिए आपको तो तकलीफ होगी ना? अपने ही गांव में तकलीफ हो उतनी, बड़ी नहीं हूँ मैं। ओह एक्सक्यूज मी, आप भी मेरी तरह हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुम तो बहुत ओवर हो। बहुत ओवर हूँ इतना बोल रहा हूँ क्या? एक किलो कम करके देख लेते हैं क्या? क्यों भाई, विंबलडन चैंपियनशिप ओपनिंग गेम ही फ्लॉप रहा। सवेरे बुद्धा के पोज में देख कर ही समझ गया था, बुद्धू योगी, आखिर तेरी तो बहन है ना, रद्दी है। हे भैया, सुमा आई है। सुमा? कौन सुमा? जाओ जाओ यार। हाँ? जाओ। कौन है ये सुमा? सुमा यानी अपने शिवा की बहन। तुम बोलो श्वेता, मुंह बंद करना। तुम बोलो श्वेता, कौन है ये सुमा? ये तो नेवर एंडिंग लव स्टोरी है। श्वेता कृष्णा लौटे हैं मुझे पता चला, इसीलिए शहद ले आई हूँ दीदी। ओहो, अभी तक स्कूल जाने वाली लड़की आज देखो प्रेम की बातें करने लगी। ये कहानी आज भी वहीं पे अटकी है। ओहो, अब तो कहानी जस्ट यहीं पे एंट्री मार रही है। हाय सुमा, कैसे हो श्वेता? मैं तो ठीक हूँ, आओ। कैसे हो बापू? बापू, अरे रे 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 रे, क्या शर्माता है, क्या शर्माता है। बहुत पतले हो गए हो बापू। पतला है ये मोटा, लव इज ब्लाइंड यार। अरे जाल में फंस गए बेटा, संभालना। और दो चार दिन रहोगे ना? और क्या, बापू के शहर जाकर भोपू बजाते रहेगा क्या? कितने सालों का मामला है रे, बापू बोल रही है, अब तो भोपू बजाना ही होगा। तुम आते रहो,
अब मुझे ये सब देखा नहीं जाता। तुम चलो मेरे साथ। मेरी बात तो सुन। छोड़ छोड़ कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे सब कुछ ठीक ठाक है। आओ चलो चलो आओ यहाँ खड़ी रहो। सॉरी सर, देखिए ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं मगर ये बात छुपा रहे हैं, क्या ये ठीक है? आप बोलिए सर। बचपन में सातवीं कक्षा में शुरू हुआ था सर, आपको बताने की हिम्मत नहीं थी, बात वहीं पे चक्कर लगा रही है। यार में ऐसा नहीं होना चाहिए सर, वरना हालत खराब हो जाएगी। आप ही देखिए सर, शिवन नाइस की किसी गांव के लड़के से शादी करा देंगे और ये जाएगा शहर में, तब ये दोनों बिछड़ जाएंगे। कितना दर्द ही झेलेंगे आप ही सोचिए तो। फर्स्ट लव इज द बेस्ट लव सर। मुझे सुमा बहुत पसंद है भाई। मुझे भी बापू से बहुत ही प्यार है भाई। ए ए शिवा भाई इसे तो मैं ए आज से यशुआ मेरी संबंधी है, यही हमारी बहू है। पैदा होते ही सबको मोक्ष नहीं मिलता, सबका एक वक्त होता है जो आ चुका है। ए साला। थैंक्स भैया। क्या कहा तुमने? मेरे भैया। भाई कहा, भाई कहा। चलो कृष्णा बापू तो कहो ना। ए, उसके साथ बिगड़ जाओगी। चलो चलो। क्या प्यार है भाई, ऐसे भी होते हैं कुछ लोग। क्यों रे, कैसा है? सेकंड क्लास हो। तो फिर कृष्णा? फर्स्ट क्लास है। ए बबल गम, वो कृष्णा नहीं रे, कृष्णा बापू डब्बा कहीं का, मेरी तो मदद ही नहीं करता। हाँ तो फिर वो गुड मॉर्निंग इंडिया? छोड़ो ना, इंडिया में आते ही बैलगाड़ी बन गई है रे। मतलब तुझे मैच नहीं करेगी रे? कैच करूंगा फिर मैच करने के लिए ट्राई करूंगा, यही है ना बबल गम मेरा स्टाइल। ओके, एटलीस्ट वो तेरी लवर मेरे रेंज में तो है ना? वो साड़ी उसे दी तुमने? क्या हुआ, कुछ बोलते ही नहीं हो? वो सामने है क्या? चुपचाप रहना, सामने मेरी जिंदगी है। कौन है, गर्लफ्रेंड क्या? हाँ बिल्कुल नहीं, सिर्फ फ्रेंड है वो, और कृष्णा की भी दोस्त है वो, ठीक है। आप क्यों आ गई? परसों आपने सुमा कृष्णा के मैटर में जो हिम्मत दिखाई वाकई मुझे बहुत पसंद आई, ग्रेट। उसमें कौन सी बड़ी बात है, इट्स वेरी सिंपल। मुझे भी आप हेल्प करेंगे? मतलब आपका भी सेम मैटर है? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे बाहर लेके जाएंगे वहाँ मंदिर में। मंदिर जाना है? लंदन से आने के बाद मन्नत मांगी थी कि मंदिर में जाऊंगी, यहाँ पे कोई भी लेकर ही नहीं जाता। मैं लेकर जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा? 100 रुपए दूंगी। 100 रुपए दोगी? आप चलिए मैं आया। थैंक्स। अरे क्या होगा मेरा। टाइम पास के लिए इस तरह की बातें करना बिल्कुल सही होता है कि नहीं? ओके। जिस लड़के को प्यार करते हो उसे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? इंडिया में 90% लड़के जो करेंगे वही तो मैं भी करूँगा। अच्छा हाँ तो फिर कौन है वो आपकी पसंद की लकी गर्ल? आप ही। हाँ? यानी कि अब तो आपकी बारी है, आप ही कुछ कहिए ऐसा बोला। ओ, ये प्यार व्यार बहुत बोरिंग है। भगवान, पहली बार अपनी महबूबा के साथ में तुम्हारे दर पे आया हूँ, उसकी मिन्नत के साथ मेरी ख्वाहिश भी पूरी कर दो। हाँ थैंक्स गजा, तुम्हारी वजह से ही मेरी मन्नत पूरी हुई। कौन सी बड़ी बात है। हाँ, नेक्स्ट क्या करना है? What next? भिंडी मटर की भाजी और चावल। ए, चावल के बारे में नहीं, जीवन के बारे में कुछ कहिए। लंदन में ही अच्छी नौकरी मिल गई है, I'll do it well. उसके बाद एक अच्छा हस्बैंड चूज करूंगी। खुशी खुशी वहीं पे सेटल हो जाऊंगी। ओहो, बस करो। कैसी लड़की हो तुम? हाँ यही पली, यही बड़ी, यही पढ़कर प्यार प्रेम लव दोस्त ऐसे अच्छे अच्छे गुणों को कलेक्ट करने के बाद हाँ यहाँ से जाकर घटिया देश में किसी घटिया आदमी से शादी की बात कर रही हो, ये तो नाइंसाफी है। हाँ
तुम वहाँ जाके सेटल हो जाओगी। मेरे बच्चों को हिंदी नहीं आती, हम इंडिया नहीं जाएंगे, ऐसे झूठे बहाने बनाकर ये जताने के लिए कि किसी को नहीं भूली हो। कभी कभार वहाँ से फोन और फोटोज और डॉलर वगैरह भेजकर यहाँ की मान मर्यादा संस्कृति पर धब्बा लगाने वाली तुम जैसी को पूरे हिंदुस्तान की जनता की तरफ से धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। और सुनो, हर लड़की लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क कह के चली गई तो तुम जैसे उसे प्यार करने वाले हम हिंदुस्तानियों का क्या होगा? आप फर्स्ट प्रेफरेंस हमें ही दीजिए। ओके 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 बाबा, मैं कहीं भी सेटल हो जाऊं, शादी तो मैं तुम जैसे 100% साफ दिल हिंदुस्तानी से ही करूंगी। खुश हुए ना? हाँ, मुझ जैसे के साथ। ए फुलझड़ी, ए फुलझड़ी, ए फुलझड़ी, ए फुलझड़ी, ए फुलझड़ी, ए फुलझड़ी, ए फुलझड़ी। अरे अरे चल 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 लक्ष्मी, मिन 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 मीनाक्षी, कम 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 कमलाक्षी, पच 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 पंचरंगी। अरे ए फुलझड़ी अरे जललक्ष्मी, मिन 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 मीनाक्षी, कम 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 कमलाक्षी, पच 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 पंचरंगी। अरे ए फुलझड़ी अरे। हाँ मंगा छत्रपाल, शहनाई बजवाओ, सबको खाना खिला, शादी कर शादी कर। घोड़े पर आऊंगा, भारत लाऊंगा, नाचूंगा गाऊंगा, शादी करके ले जाऊंगा तुझे मैं अपने घर। फुलझड़ी फुलझड़ी जल जल जललाक्षी, मीना 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 मीनाक्षी, कम 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 कमलाक्षी, पच 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 पंचरंगी। आरे फुलझड़ी आरे। शादी कर
जाऊंगा, भारत लाऊंगा, नचूंगा गाऊंगा, शादी करके ले जाऊंगा तुझे मैं अपने घर। फुलझड़ी 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 फुलझड़ी। ओए, वहां से भेड़ बकरी हटाओ। अरे क्या कर रहा है यार? अगर कोई आगे बढ़ा तो इसकी गर्दन गई। ओ, परसों उन्होंने जो किया उसका ये बदला है। बंदर के हाथ में मोती लग गई है, उड़ाइए देखते हैं। ओए, मुझे बंदर कहता है। सॉरी सर, मोती किसके पास होती है? हाँ, महाराजाओं के पास। देखिए महाराज जी, जब तक वो है आप सेफ हैं। उसे कुछ भी हो जाए आप उसको मत छोड़िए, तभी तो आप सेफ होंगे। आपने अगर उसे छोड़ दिया ना, मारे जाओगे। वही ठहरो, नजदीक आए तो इसे मार दूंगा। कौन है रहा तू? नेपोलियन पता है? ठीक है, बर्नार्ड शॉ पता है? वो कौन सा कमीना रे? ओहो हो, ऐसा नहीं कहते जी, वो सब रहा। मैं हूँ फाइटर। जब तक ये खेल खत्म नहीं होता, ये खून की नदी बहती रहेगी। उनके घर घुस के कब्र खोदते हैं। तुम कब्र बना रहे हो उनकी? नहीं, इतने सालों तक जिन्हें संभाला है मैंने उन आदर्शों की, किसे पूछ के मंदिर गई थी? कुछ ऊंच नीच हो जाती तो सीधे भगवान के पास चली गई होती। कहां से लेकर आता मैं तुम्हें? यह तो चार दिन रहकर यहां से चला जाएगा। यहां जो आग लगी पड़ी उसे कौन बुझाएगा? याद रहे तुम इस देवेंद्र की बहन हो, हमारे हर कदम पर हजारों कांटे पीछे पड़े हैं। पढ़े लिखे बच्चे हो, यहाँ के हालातों के बारे में कुछ नहीं जानते तुम लोग। खुद के गांव में एक मंदिर जाने के लिए 100 बार सोचना पड़े ऐसे हालत पैदा करने वालों को, पहले वो अकल होनी चाहिए थी सर। गजा, तुम चुप रहो। एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है तो कहाँ चली जाती है वो अकल? उन्होंने जो किया वो नाइंसाफी थी, तो अब आप भी तो वही कर रहे हो ना। चुप रहो, तुम्हें पता नहीं कि मामला क्या है? ये हालात किसने पैदा किए, आपने या उन्होंने? वो लोग तुम्हारे लोगों को मारेंगे, आप उनके लोगों को मार डालो। इसके बदले आप दोनों बैठकर मसला हल कर सकते हो ना। Stop it! लव और यारिका के ठंडी सी कॉफी को कैंटीन में पीते हुए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए? तुम्हारे कॉलेज कैंपस का मामली झगड़ा नहीं है ये, कई पीढ़ियों से नस नस में बहती चली आ रही है नफरत की ज्वालामुखी है ये। छोटे बच्चों के पेट के ऊपर जलते सिक्के का निशान लगाकर पालते हैं। इन बातों से सुलझाओगे? दुश्मन के नाम को हथेली पर छाप कर इसे मारने के लिए तुम पैदा हुए हो यह कहकर उसे पालते हैं, यह दुश्मनी ऐसे ही मिटने वाली है क्या? वैसे भी तुम मुझको आखिर समझते क्या हो? ABCD नहीं जानता, गांव का गवार है, तबेला साफ करने वाला बेवकूफ है, चार लोगों को साथ में रखकर सियासत करता, यही ना? आई एम देवेंद्र, MTech फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन, माई वाइफ उमा, MSc इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स। चाहकर शादी किया, इस गांव में ही जिंदगी है, यह गांव हमारी जान है, इसकी भलाई में ही जीवन समझकर भागकर यहां आए, यहां हमारा स्वागत किया था। नफरत की आंधी में जलकर राख होने वाले मेरे पिता की लाश,
जोश में चिल्लाते हुए मर्दों की पुकारों में, बद्दुआ दे रही औरतों के आंसुओं में आग की तरह जलते हुए कुछ नौजवानों को देखा मैंने। समस्याओं का कोई ना कोई तो हल ढूंढना ही पड़ेगा। अमन से भरी जिंदगी जीना है सोचकर आया मैं ही बदल गया। तुमने मारा था ना? नहीं, मुझे मत मारो। नहीं, 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 मार दो, छोड़ना मत। नहीं, 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 मुझे मत मारो। मेरे पिता की मौत ने मेरे हाथ में तलवार दिया। हर एक दिन मैं जिंदा लौटूंगा या लाश बनकर, यही सोचकर ये परेशान थी। इसे देखकर मैं तड़पता था। यह जन्म बहुत हुआ, अगली पीढ़ी को नहीं देना चाहिए सोचकर हमने बच्चे पैदा नहीं किए। यही हमारे बच्चे हैं, यही हमारे रिश्तेदार हैं, यही हमारी जान है। इन्हें दूर रखकर पढ़ाई करवाते रहे ताकि यहां का माहौल इन्हें याद ना आए। भले ही यह हमें भूल जाए पर दुश्मनी याद ना रखें। इंसान बनने वालों को भगवान ढूंढना चाहिए, मगर मुझे यहां इंसान ही नहीं मिल रहा है। और भगवान कहां मिलेगा? इंसानों को पैदा करना होगा, उन्हें देखकर खुश होना पड़ेगा कि हाँ कभी हम भी थे। अच्छे इंसान मिले तो काफी हैं, उन्हें भगवान ही दिखते हैं, उन्हें को भगवान मानते हैं। ए, तुम जो खून बहाते हो सिंदूर की तरह माथे पर लगा लगा कर, मैं तंग आ चुकी हूँ। एक बात याद रखो तुम सब लोग, जब तक तुम लोग यहाँ हो आप लोगों की दुश्मनी मिटेगी नहीं। आप सब लोगों की कुछ ऊंच नीच हो जाए, इसी कुर्सी के बगल में और दो कुर्सी लगाकर मैं ही अपने हाथों से सेवा करूंगी। लेकिन लेकिन आप ही लाश बनकर लौटे, शमशान तक ले जाने की ताकत माँ के पास नहीं है। ऐसा करके गलती की, आपके पैर छूकर मांग रही हूँ, कृपा करके सुबह होने से पहले यहाँ से चले जाओ। भागने को कहती हो? ए, कहीं जाकर जान बचाने को कह रही हूँ। ए, 10 बार बोला ना कि आ रहा हूँ, क्यों पूछ रही हो? हाँ, तेरी जल्दबाजी देखूँ तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया में होने वाली आखिरी शादी है। रख देना बेटा फोन को। शादी किसकी है गजा? तुम्हारी है। बाप रे, मेरी नहीं, मेरे जीजा जी की, मेरी छोटी बहन की शादी है। मतलब नेक्स्ट बारी तुम्हारी। बताओ, लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज? दोनों करूंगा। हाँ? मतलब पहले मैं लव करूंगा, बाद में मेरे घर वाले अरेंज कर देंगे। आहा, होशियार हो तुम, लड़की देख रखी है? देख ही तो रहा हूँ, ढूंढना है, अब फुल टाइम जॉब बन गया है, लेकिन मेरे टेस्ट की कोई लड़की नहीं मिलती। फिक्र मत करो, लड़की कैसी चाहिए बता दो, इसी गांव में कोई लड़की हो तो बोल दूंगी। सामने ही तो बैठी है, लेकिन इसलिए तो मैं इतनी दूर से यहाँ तक आया हूँ। जब वो मुस्कुराए सारे गम ही मिट जाएंगे। और उसके बाल तो समुंदर की लहरों की तरह होंगे। मेरी बकवास सुनने वाले उसके कान शंख की तरह होंगे। मुझे देखने वाली उसकी आंखें पूनम के चांद की तरह चमकती होंगी। है? हाथ बेलन की तरह, पैर झाड़ू की तरह, ये भी बोल देना। ए, बस कर, चुप रहेगी क्या? मैंने तो सिर्फ मजा किया, तुम आगे बताओ। तुम्हें दहेज वगैरह? छोड़ो, इनकी वो सारी मांगे पूरी करने वाली लड़की इन्हें चाहिए तो इन्हें ही दहेज देना पड़ेगा। ओ, मैं तो तैयार हूँ। शादी करने के लिए तुम्हें सचमुच एक लड़की चाहिए क्या? लड़की नहीं तो क्या, लड़का चाहिए क्या? ये क्या बोल रही हो बसवी, लड़का लड़के से शादी करेगा क्या? कलयुग जो है ना भाभी, कौन आदमी कैसा हो सकता है बता नहीं सकते। हा? मगर ऐसे लड़के को अगर ऐसी लड़की चाहिए तो फिर अपनी श्वेता जी को कैसा लड़का चाहिए होगा? मतलब मैं मगरमच्छ हूँ क्या? वर्मा, अय्या के हाथ बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं, होके रहेंगे। अय्या का ये हाल करने वाले को मैं मार के रहूंगा, उसको तो मैं मारूंगा ही। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। देखो ना, मैंने कैम्ब्रिज का नाम लेते ही कैसे बदल गया। देखो सर, इफ यू डोंट माइंड, आपसे एक बात कर सकता हूँ? एनीथिंग सीरियस? श्वेता की शादी के बारे में।
श्वेता की शादी? जी हाँ सर, श्वेता की वजह से कुछ शादियां रुक गई हैं। हाँ? अब देखिए सर, शिवा की इतनी उम्र हो गई, शादी क्यों नहीं की? पहले बहन सुमा की शादी होगी, सुमा से शादी करने के लिए कृष्णा तो रेडी है, लेकिन ये कृष्णा ने क्यों नहीं शादी की? ताकि श्वेता की पहले शादी हो जाए, मतलब श्वेता की वजह से इतनी शादियां फुल स्टॉप पर खड़ी हो गई हैं। वही आप मुझ जैसे अच्छे लड़के को ढूंढ कर श्वेता की शादी करवा देंगे ना उससे, आपके सामने ही ये सारे आपके बच्चे खुशी से आपको दुआ देंगे, आप क्या कहते हैं? ये भी ठीक है, श्वेता की शादी के बारे में सोचा ही नहीं था। फिर से बोलो तो। वो ऐसा है कि कुछ नहीं कुछ नहीं, शादी की बात हम बाद में करेंगे। कृष्णा क्या कर रहे हैं? बोला है बोलने दो, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट एवरीबॉडी, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। हे कृष्णा। क्या भैया? गजा के बारे में तुमसे कुछ कहना था। क्या किया है उसने? श्वेता की गजा के साथ शादी करवा दे तो। गजा हम सबको बहुत पसंद है, श्वेता की अच्छी जोड़ी बनेगी ना? श्वेता ने क्या कहा? गजा को यह रिश्ता पसंद है या नहीं जाने बगैर श्वेता से कैसे पूछूंगा? मेरा शायद पूछना ठीक नहीं होगा, तुम ही अपने दोस्त से ये सब पूछ कर बता दो। भैया गजा यहाँ आया है श्वेता के लिए, श्वेता से वो बहुत प्यार करता है। भैया एक मिनट, श्वेता ने उसे पसंद किया तो ये साड़ी उसे दूंगा सोचकर वही लेकर आया है। श्री रामचंद्र भगवान प्रत्यक्ष होकर यहीं पे ठहरे, ये ऐसा कहते हैं। दशहरे का त्योहार जैसा यहाँ होता है अगल बगल के गांवों में कहीं नहीं होता। अरे लाठी का खेल है। ये सब कुछ तुम जैसे शहरी लोगों का खेल ही नहीं है। ये खेल ऐसा कोई खेल नहीं जो हम नहीं खेले, ये क्या खेल है? ये खेल एक लड़का लड़की को मिलाने जैसा आसान है क्या? छोटी सी भूल हुई तो मरोगे। हाँ पूजा खत्म करो, मैं आता हूँ। क्या हुआ रे? भैया भाभी श्वेता की शादी तुमसे कराने की बात कर रहे थे। तो फिर श्वेता ने क्या कहा? अभी वो श्वेता से पूछने वाले, भाई की बात का इनकार नहीं करेगी, वो तो खुशी से मान जाएगी। गजा, बहुत सालों के बाद आज मेरे दिल को बहुत खुशी हो रही है। फोन कर। रियली? तो घर वाले सब मान गए क्या? इसके पागलपन से वो रावण भी हार गया था, तो ये हारेगी नहीं क्या? सो स्वीट। तो फिर शादी कब है? इनविटेशन की फर्स्ट कॉपी तुझे ही दूंगा। ओके बाय बाय। चलो तो श्वेता के पास चलते हैं। कृष्णा, मैं पसंद हुआ नहीं उससे मैं ही पूछ लूंगा, तुमने पूछा तो वो कहेगी आपकी पसंद ही मेरी पसंद है, मैंने पूछा तो उसके दिल की बात पता चलेगी। ओके जैसा तू कहेगा। चल आ जा। श्वेता यहाँ। क्या हुआ? तुमसे एक बात करनी थी। क्या है? Thank you.
है, मुझे कुछ नहीं होगा, पहले उनको जाओ संभालो, जाओ। देखो ना भैया को क्या हुआ, श्वेता भैया को कुछ नहीं हुआ भैया, सर सर मैं भैया गजा लेकर जाओ इनको, लेकर जाओ, जाओ गजा, मैं देख लूंगा इनको, छोड़ो ये बात सुनो गजा, छोड़ो मैंने उन्हें लेकर जाओ गजा, शिवा भाई जाओ गजा, कृष्णा भैया जाओ, भैया जाओ गजा जाओ, क्या हो भैया Krishna, 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 Krishna,
श्वेता। कृष्ण तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यार, इससे बचाओ। वादा करो, वादा करो तुम इसका हमेशा साथ दोगे। कृष्णा मैं हूं मेरे भाई, मैं हूं मेरे भाई, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। ए कृष्णा, ए कृष्णा, ए कृष्णा, ए कृष्णा, उठ मेरे भाई, मैं हूं यार, मैं हूं ना। ए ए ए कृष्णा, ए कृष्णा, उठ यार, ए कृष्णा, कृष्णा, ए दुश्मन की औलाद बचकर भाग गई रे। श्वेता को बचा लो कहकर कृष्णा मर गया। उसकी वो आखिरी नजर अब भी मेरे दिल को चुभ रही है। ये बात पहले ही आप लोग जानते थे। मुझे क्या होगा इस डर से, श्वेता को आप लोग आने नहीं देते थे, यह सोचकर मैंने ये बातें नहीं बताई। गलती कर दी बेटे तुमने। तुम्हारी खुशी को बांटने वाला ये परिवार क्या तुम्हारे गम को अपना नहीं सकता? हाँ, शिवा भाई, जो हाथ लगा था उसे वही कर देना चाहिए था। तुम उसे जिंदा छोड़कर आए हो भाई। भाई भाई, देवेंद्र की वो बहन भी उसी के साथ है भाई। श्वेता, मुझे लगा था कि तुम अनाथ हो गई होगी। ये तुम्हारे भाई का पुण्य है, तुम ऐसे घर में आ चुकी हो। अगर तुम्हारे भाई आज जिंदा होते तो मैं इसी घर में ब्याह कर भेज देते। आओ गज्जा। श्वेता। हाँ? ये लो। ये क्या है? टिकट है, कल तुम लंदन जा रही हो। सारे इंतजाम कर दिए हैं। गज्जा, श्वेता अब क्यों लंदन जाएगी? जाना पड़ेगा। देवा भाई की बात याद करो, वो हमें भूल जाए गवारा है, मगर ये दुश्मनी कभी इसे याद नहीं आने पाए। उसकी अपनी एक जिंदगी है, वो यहीं पे खत्म हो जाए ये मुझे पसंद नहीं। गज्जा, तुम श्वेता को कहीं भी भेजो, ये मामला खत्म नहीं होने वाला। देखो, तुम सूर्य के बारे में कुछ नहीं जानते। मेरे बारे में वो भी नहीं जानते। बचपन से ही मैंने जो कुछ मांगा नहीं मिला भैया। जिन्हें मैं चाहती हूँ वो सारे लोग मुझसे दूर चले जाते हैं। ये भी ऐसे ही है, मैं उनसे प्यार करती हूँ भैया, ये भी प्यार देकर चले जाएंगे। मेरे साथ ही ये क्यों होता है? क्या मुझे हमेशा सब लोगों से दूर ही रहना पड़ेगा? Thank you.
मन रे एक इल्तजा है तुझसे, मैं यही दुआ मांगू प्यार का अपने संग मांगू, मन रे मेरी सदा सुन ले। मन रे एक इल्तजा है तुझसे, जा मेरे मन तू अब किस मन की बात सुनूं मैं तू बता, यादें बनी गमों का सहारा जो गुजारे तेरे संग, क्या करूं मैं अब दिल को समझाने को, कुछ प्यार ऐसे ही खिलते खिलते मुरझा गए और कुछ दिलों में दब के ही वो रह गए, मन रे कैसे हम जिए, ओ मन रे एक इल्तजा है तुझसे। इस तरह दिल को तड़पाना, गुजरा लम्हा फिर दोबारा आए ना कभी, आंखों के बहते आंसू प्यार को पुकारे हैं, अपने हाले दिल को किस तरह करूं बयां, मन रे मुझको बतला दे। शिवा भाई। हाँ बोलो गज्जा। यहाँ सब सेफ है, आप एयरपोर्ट आ जाइए। ठीक है गज्जा। देखो भाई एक मिनट। हेलो गज्जा। बोलो श्वेता। तुम कहाँ पर हो? यहीं पे, पास में, नजदीक हूँ। श्वेता। हेलो। क्या गज्जा? संभालो।
पकड़ो इसको, पकड़ लो, एक गजा, एक चंद्र। देर हो गई, चलो। कृष्णा की बहन है ना? हाँ। कहाँ है आपका वो पागल बेवकूफ नालायक पति? अपना गजा सचमुच ट्रू लवर है जी, आपको तो टीवी पर ही देख के फिदा हो गया था। आप दोनों की शादी फिक्स होने के बाद इस बबलगम को एक दिन भी फोन नहीं किया उसने। मैं तो सबसे प्यार करता हूँ, पर मुझे भी प्यार करने वाला चाहिए ना। श्वेता ने मुझ पर पूरा भरोसा रखा है, आप जैसे उसे प्यार करने वाले हम हिंदुस्तानियों का क्या होगा? श्वेता, भैया। हाँ बेटा, क्या क्या हुआ? गजा, गजा कहाँ है? अंगूठा छाप बेवकूफ है तू, तुझमें ही इतनी अकल है तो फिर मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मुझमें कितनी होगी। तेरे भाई को मारा इसीलिए, मुझ पर इतना भड़क उठा है तू उस दिन मेरी आंखों के सामने, मेरे दोस्त को उसके फैमिली को काट डाला ना, बता मैं तेरा क्या हश्र करूं। आज ये दुश्मनी का लफ्ज हमेशा के लिए मिट जाएगा, बहुत मारूंगा।
मर भी जाऊं, मेरा प्यार तुम्हारे साथ रहे, यही मेरे लिए काफी है। गजा, ये सब हमारे हाथों से खत्म हो जाए, यही भाई की इच्छा थी। आज आज खत्म हुआ, खत्म हुआ। अगर दुनिया में कोई अच्छा इंसान है तो वो तुम हो गज्जा। तुम दोनों हमेशा खुश रहो।